शाही गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे, इसमें डालेंगे हम एक चुटकी सोडा, 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। अब इसमें हम डालेंगे हेल्दी तुलसी राइस ब्रान ऑयल, जो सॉस के लिए बहुत अच्छा है। सारी चीजों को मिक्स करके आटा गूंथेंगे। गट्टे का आटा हमने गूंथे जिसमें बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, साइट्रिक एसिड, सोडा और तेल डाला और इसमें हमने पानी डालकर आटा गूंथे। गट्टे का हमने आटा लगा लिया। अब ढोकला मेकर का जो कंटेनर है उसमें हमने नीचे पानी डाला है और पानी को गर्म करने के लिए रखा। पानी भी गर्म हो चुका है। अब एक प्लेट ले रहे हैं हम, ढोकले की प्लेट, जिसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे, चारों तरफ तेल को फैलाएंगे। अब इसमें हम गट्टे को स्टीम करेंगे, गट्टे का शेप देंगे और ये प्लेट में रखेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप देना क्योंकि स्टीम होने के बाद गट्टे थोड़े से फूलेंगे, बड़े होंगे। थोड़ा गैप देंगे इसमें। गट्टों को आप स्टीम भी कर सकते हैं और उबाल भी सकते हैं, लेकिन स्टीम करने से गट्टे बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। और इसे हम 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इस तरह से तैयार गट्टे पूरी प्लेट के ऊपर रख कर और अब इसे हम 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए पानी पहले से ही गर्म कर लिया है। जब पानी उबलने लगेगा तब इसके ऊपर ये प्लेट रखेंगे हम और ढक्कन बंद कर देंगे। जितनी देर में गट्टे स्टीम हो रहे हैं हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। गट्टे की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम राइस ब्रैन ऑयल गरम करेंगे। अब एक हमको पेस्ट बनाना है जिसमें ले रहे हैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और दही। सारी चीजों को मिलाकर पेस्ट बनाएंगे। शाही गट्टे की ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक पेस्ट तैयार करना है जिसमें लिए हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और दही। पेस्ट तैयार हो गया, इसे निकालेंगे। दही, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, सारी चीजों का मिला के पेस्ट तैयार करें। ग्रेवी बनाने के लिए तेल गरम किया। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, खसखस, तिल्ली, तेजपत्ता और टमाटर, दही, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। ग्रेवी के लिए तेल गरम करके उसमें जीरा, तिल्ली, खसखस और टमाटर, दही, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डालें। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, गरम मसाला, भोजवानी लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से सेकेंगे। इसमें आप नारियल का यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा आपको अच्छा टेस्ट चाहिए तो इसमें आप खोआ भी डाल सकते हैं। खोए की क्वांटिटी बहुत ही कम, 1 टेबल स्पून ही रहेगी यदि आप डालेंगे खोआ तो, और नारियल भी, ताज़ा नारियल भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब इसे तेल छोड़ने तक हमें सेकना है।
शाही गट्टे की ग्रेवी सिक गई है। तेल छूटने तक हमने ग्रेवी को सेका। जितनी देर में ग्रेवी सिकी उतनी ही देर में गट्टे भी स्टीम हो गए। अब इसे हम निकालेंगे। देखा आपने, मैंने बोला था ना, छोटे छोटे गट्टे स्टीम होने के बाद में फूल जाएंगे। ये गट्टे फूल चुके हैं। अब इसके हम कटिंग करेंगे, इसे पीसेस में कट करेंगे और इसे 1 टेबल स्पून तेल में हम हल्का फ्राई करने के बाद ही ग्रेवी में डालेंगे। अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं गट्टे। गट्टों को तल कर भी आप ग्रेवी में डाल सकते हैं और हल्का शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी 1 टेबल स्पून तेल में गट्टे शैलो फ्राई करेंगे। गट्टे डालेंगे, गट्टों को शैलो फ्राई करके बाउल में निकालेंगे। ग्रेवी अच्छे से सिक चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम गट्टे डालेंगे ग्रेवी काफी सूख जाएगी, गट्टे उसमें पानी पी लेंगे, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा पानी डाल देते हैं। और अब इसमें ये गट्टे डालेंगे। हरा धनिया और मलाई, ज़्यादा देर तक हमें गट्टों को गैस पे नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा देर ग्रेवी में डालकर और यदि गैस पे रखेंगे तो गट्टे फूट जाएंगे। इसे फटाफट हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी मलाई। तो इस तरह से हमारे तैयार हुए शाही गट्टे।